अगर आईपीएल के फाइनल में बारिश आई तो केकेआर वर्सेस एसआरएच में कौन होगा विजेता, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं केकेआर और हैदराबाद के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भैया अब यहाँ पे आईपीएल 2024 का अंतिम और निर्णायक मुकाबला यानी कि फाइनल मैच खेला जाने वाला है जो कि केकेआर और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। वहीं ये मुकाबला 26 मई को और ऐसे में ये मुकाबला एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है। लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है, जी हाँ, क्योंकि बारिश इस मुकाबले में दोस्तों आपको बताएं कि विलन बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर विलन बनती हुई नजर आएगी तो यहाँ पे फैंस के लिए और साथ साथ यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि अगर बारिश होती है और अगर टॉस तक भी नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आखिरकार किस टीम को यहाँ पे विजेता घोषित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये होगा पॉइंट टेबल से, क्योंकि केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर है जहाँ 14 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और पॉइंट टेबल में 20 अंक है। इसी के साथ हैदराबाद की टीम भी यहाँ पे आपको बता दें कि 14 मैच खेली है, 8 मैच जीती है, 5 मैच हारी है और पॉइंट टेबल में हैदराबाद की टीम के 17 अंक है। यानी कि देखा जाए तो अंक में यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आगे। बट यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे होने के चांसेस ही बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे केकेआर की टीम को घोषित करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश बंद हो जाती है तो इस मैच को 20 ओवर की जगह 16 ओवर या फिर 5-5 ओवर का मैच भी हो सकता है, क्योंकि ये निर्णायक मुकाबला होगा तो इतनी जल्दी से यहाँ पे सीधा जीत देना मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे जब कोई जवाब यानी कि बारिश बिल्कुल ही नहीं बंद होती है तब यहाँ पे ये कदम उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये मुकाबला कौन जीतेगा और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलकाता या हैदराबाद को? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।